जय हिंद। बुंदेलखंड न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। न्यूज रूम से मैं साहिबा बानो। चलिए रुक करते हैं झांसी की कुछ अहम खबरों का। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ये कविता आज भी रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की गाथा बयां करती है। ऐसे वक्त में जब एक एक कर राजा अंग्रेजों के सामने घुटने टेक रहे थे, तब ये रानी लक्ष्मीबाई ही थी जिन्होंने अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया। उन्होंने अंग्रेजों को दांतों तले चने चबवा दिए। आज उन्हीं रानी लक्ष्मीबाई का जन्म दिवस झांसी समेत पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। सुबह से ही जहां स्कूली बच्चे रैली निकाल रहे हैं, तो वहीं शोभा यात्रा निकाली जा रही है जिसमें रानी लक्ष्मीबाई की वेशभूषा में नजर आए। इसी क्रम में पुलिस महकमे भी रानी लक्ष्मीबाई का जन्म दिवस मनाया गया है। इसके अलावा शहर के अलग अलग स्थानों पर भी रानी को लेकर तरह तरह के कार्यक्रम में आयोजित किए जा रहे हैं, साथ ही गोष्ठी का भी आयोजन किया गया। आपको बताते चले कि एसपी कार्यालय पर रानी लक्ष्मीबाई को सबसे पहले सलामी दी गई, उसके बाद एसएसपी दिनेश कुमार पी द्वारा रानी के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। वहीं शहर के मेन चौराहे पर महिलाओं द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई, जिसका नेतृत्व उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय पटवारी ने किया। आपको बता दें कि आज पूरा झांसी दुल्हन की तरह सजाया गया है। शहर वासियों द्वारा जगह जगह दीप जलाकर रानी लक्ष्मीबाई को श्रद्धांजलि दी जा रही है। दिन हम लोग जयंती मना रहे हैं। सारे थाने और पुलिस ऑफिस और पुलिस लाइन में रानी लक्ष्मीबाई जी को उनके जो चित्र के सामने उनका माल्यार्पण और सलामी दी गई है। शाम के वक्त दीप भी जलाएंगे और थाने की दीपों से और लाइट से सजावट भी होगी और इसको अच्छी तरह से मनाने की पूरी प्रयास चल रही है। प्रथम स्वतंत्र संग्राम सेनानी के रूप में यहाँ पे 1857 में जो झांसी के ये यहाँ से जो क्रांति के जो चिंगारी उन्होंने जो शुरू कराया वो तो देश भर में फैली थी। और मिशन शक्ति एवं महिला सम्मान एवं महिलाओं के जो प्रति जो सुरक्षा एवं ये सारी चीज़ें हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं, उस ज़माने में स्वतंत्रता की लड़ाई में महिलाओं की भागीदारी के रूप में इनका सबसे पहला योगदान रहा है, तो इनकी जयंती को हम हर्षोल्लास से मना रहे हैं। आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी? हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट देकर हमें जरूर बताएं। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बुंदेलखंड की तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल बुंदेलखंड न्यूज 24।